नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। योगी सरकार गोवंश की सुरक्षा और सुधार के लिए अब तक करोड़ों रुपए का बजट हमीरपुर जिले में पानी की तरह बहा चुकी है, पर उसका कोई फर्क प्रशासनिक अधिकारियों पर पड़ने वाला नहीं है, जिसका साफ असर सुमेरपुर विकास खंड की इंगोहटा ग्राम पंचायत से सामने आया है, जहां पर रखरखाव के अभाव में इस सर्दी के मौसम में लगातार गौशाला में बंद अन्ना दम तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों को बेजुबान जानवरों की सुख तक लेने का समय नहीं है कि कम से कम जीती जी ना सही उनके मरने के बाद ही बेजुबानों के शव की दुर्गति होने से पहले दफनाया जा सके। मामला सुमेरपुर विकास खंड क्षेत्र के इंगोटा ग्राम पंचायत का है, जहां पर सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके गौशाला का निर्माण कराया गया। गौशाला में अन्ना गोवंश के रखरखाव और चारे पानी की व्यवस्था के लिए लाखों रुपए शासन द्वारा अवमुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गौशालाओं की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। गौशाला में बंद अन्ना गोवंश की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जो अपने हालात पर आंसू बहाने को मजबूर है। गौशालाओं में बंद बेजुबान रखरखाव के अभाव में गौशाला के अंदर ही दम तोड़ रहे हैं। तस्वीरें विचलित कर देने वाली है, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से जिम्मेदारों की लापरवाही कारण आवारा कुत्ते गोवंश को गौशाला के अंदर ही नोच नोच कर खा रहे हैं, और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के बजाय जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। शिव शक्ति सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम प्रधान जी आपका? अच्छा, आपकी ग्राम सभा कौन सी है? अच्छा, आपके यहाँ पे जो मृत पड़े हैं कुछ जीव, तो क्या है पूरा मामला? नहीं, मुझे तो अभी आया हूँ, कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। अच्छा अच्छा। और ये तबीयत खराब हो गई इनकी, बीमारी से मौत हुई। कितने चरवाहे हैं यहाँ पे, देख रेख कौन करता है? कितने चरवाहे हैं? तो किसकी लापरवाही कहेंगे आप? लापरवाही क्या, चरवाहों की मानिए कि देख रेख, तबीयत डॉक्टर को फोन करना था उनको, मान लो बीमारी थी, फोन कर देते हो जाता उनको। और यहाँ पे कुत्ते भी अंदर आ जाते हैं, और मान लीजिए उनकी आंखें वगैरह भी नोच के खा ली हैं, इस पे आप क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आंखें नोच खाई हैं, वो जिंदा है। कौवा नोच लिया होगा।